Hello students, welcome back to our YouTube channel. Let's further continue our next video of laser physics. And today we are going to start our unit 4th. And the first topic of our unit 4th is the multi-photoelectric effect. या फिर दूसरा जो नाम है इसका वो क्या है आपका multi-quantum photoelectric effect. Multi-quantum photoelectric इफेक्ट. ठीक है, तो आज हम फोर्थ यूनिट स्टार्ट करें. आपकी सेमीकंडक्टर लेजर मैंने छोड़ दी है, क्यों? एक तो यूनिट सिस्टम ही है और फिर जो है हमें पहले हम ओवरऑल सिलेबस कवर कर लेते हैं. एक और जो टॉपिक रहे हैं किसी यूनिट के वो लास्ट में डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो मल्टी क्वांटम जो फोर्थ यूनिट का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है, मल्टी क्वांटम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. ठीक है, इससे पहले मल्टी क्वांटम चीज तो बाद में समझेंगे, इससे पहले आपने क्या पढ़ा हुआ है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो आपने पढ़ा हुआ है ना. फोटो इलेक्ट्रिक मतलब फोटोन्स की हेल्प से क्या जनरेट होती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है ना, फोटो प्लस इलेक्ट्रिक इफेक्ट. ठीक है, तो फोटोन्स की वजह से क्या हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट. मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपका इजेक्शन होता है किसका, इलेक्ट्रॉन का, कहां से, किसी भी मेटल सरफेस से. कब, जब उस पर क्या फोल करते हैं हम, कोई फोटो मतलब लाइट को फोल करवाते हैं, है ना. तो इजेक्शन ऑफ फोटोन इजेक्शन ऑफ किसका होता है आपका, इलेक्ट्रॉन का, वहां पे इजेक्शन होता है. लेकिन कंडीशन है कि इजेक्शन जो होगा वो इलेक्ट्रॉन का कब होगा, जब आपने क्या किया, जब आपने जो फोटोन डाला, जो फोटोन इंसिडेंट किया, ठीक है, उसकी एनर्जी क्या हो, या तो उसके वर्क फंक्शन से के बराबर हो या फिर उसके वर्क फंक्शन से ज्यादा. ठीक है, बराबर भी नहीं कह सकते, क्या होना चाहिए, उसके वर्क फंक्शन से जो एनर्जी है वो ज्यादा होनी चाहिए. वर्क फंक्शन क्या होता है, वर्क फंक्शन होता है आपका कि अगर हम बात करें वर्क फंक्शन, वो मिनिमम वर्क डन है ना, मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड किसके लिए, टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस. मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए जितना वर्क डन हमें करना पड़ता है वो क्या कहलाता है, उसका वर्क फंक्शन कहलाता है. तो इसीलिए जो आप फोटोन इंसिडेंट करवाते हो वो क्या, उसकी जो एनर्जी है वो क्या होनी चाहिए, उसके उस मटेरियल के या उस मेटल सरफेस के वर्क फंक्शन से ज्यादा होनी चाहिए, तभी आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वर्क करता है. ठीक है, यही चीज होती है. तो इसके बारे में आप थोड़ा लिखोगे, पहले हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को देखते हैं, उसके बाद में देखेंगे कि मल्टी क्वांटम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्चुअल में क्या है. ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक का चार नंबर में भी आ जाता है. देखो तो क्या है, लिखेंगे द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कम्स या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कंसिस्ट इन इजेक्शन ऑफ, इजेक्शन मतलब बाहर निकालना. ठीक है, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मैटर, फ्रॉम मैटर बोल सकते हो, मेटल सरफेस भी बोल सकते हो. ठीक है, फ्रॉम मैटर कैसे, बाय द एक्शन ऑफ लाइट. ठीक है, लेकिन साथ में कंडीशन क्या होनी चाहिए, इफ द एनर्जी क्या होती है, एच कट ओमेगा है ना, इफ द एनर्जी एच कट ओमेगा ऑफ ए फोटोन वो क्या हो, ऑफ ए फोटोन एब्सॉर्ब बाय एन इलेक्ट्रॉन इनसाइड द मटेरियल वो क्या हो, एक्सीड्स, ठीक है, एक्सीड्स द वर्क डब्ल्यू, ठीक है, जो कि क्या होता है, रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस मटेरियल. और ये जो वर्क डन होता है इसी को हम क्या नाम देते हैं, आप ब्रैकेट में डाल सकते हो, ये क्या कहलाता है, उसका वर्क फंक्शन कहलाता है. ठीक है, वर्क फंक्शन क्या होता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू रिक्वायर्ड किसके लिए, टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मटेरियल. ठीक है, आगे बात समझिए. अब मान लो जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वजह से क्या होगा, द इलेक्ट्रॉन विल लीव द मटेरियल
या सरफेस बोल सकते हो, ठीक है। अब अगर मान लो, अब एनर्जी कितनी होगी, अगर उसने सरफेस को से वो निकला है तो उसकी कुछ एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी, दैट इज क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वेयर। वो किसके बराबर होगी, वो जो एनर्जी होगी वो उसके डिफरेंस होगा किस किस की एनर्जी में, भाई जो आपने फोटोन इंसिडेंट किया वो उसकी एनर्जी ज्यादा है ना, और वर्क फंक्शन जितना लगा उन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है उस एनर्जी को गेन कर लेगा, ये किसके बराबर होगा आपका, एच कट ओमेगा माइनस डब्ल्यू। ये तो क्या है, फोटोन एनर्जी, ये तो क्या है आपकी, फोटोन एनर्जी है, और ये W क्या है आपका, वर्क फंक्शन है, ठीक है, और ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय द इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय इलेक्ट्रॉन, कि जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ है सरफेस से उसने कितनी काइनेटिक एनर्जी गेन की, वो किस किसके डिफरेंस के बराबर होगी आपकी, फोटोन एनर्जी माइनस उसका वर्क फंक्शन, ठीक है। इसका मतलब जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो कब होगा, जब एच कट उमेगा क्या हो, मतलब ये चीज पॉजिटिव हो, पॉजिटिव का मतलब जब एच कट उमेगा क्या होगा आपका, ज्यादा होगा किससे, वर्क फंक्शन से, ठीक है, अगली बात समझ में। तो लिखेंगे द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल देयरफॉर बी ऑब्जर्व्ड, द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट will therefore be observed, कब observe होगा, if क्या condition होगी, अगर एच कट ओमेगा क्या हो, ज्यादा हो हमारा W से, work function से, ठीक है। अच्छा, और जो lowest frequency होती है, ठीक है, वो minimum frequency जिसपे आपका just क्या होता है, just आपका ejection होता है electron का, वो क्या कहलाते हैं, उसकी threshold frequency, ठीक है, वो lowest frequency जिसपे photoelectric effect जो है observable होता है, उसको क्या बोलते हैं, उसकी low threshold frequency, तो वो क्या होगी, h cut omega note, है ना, किसके बराबर, work function, मतलब omega note किसके बराबर आएगा, आपका W अपॉन एच कट, ये क्या कहलाती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाती है, कि जिसपे हमें जस्ट क्या हो आपका जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व होता है, ठीक है। अगली बात समझ में, इसको क्या बोलते हैं, कोल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इसको क्या बोलते हैं, उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, ठीक है, तो ये क्या है उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, अब देखो यहां पर इंटेंसिटी का कोई रोल नहीं है, यहां तक जो हमने फोटो इलेक्ट्रिक, जो हम नॉर्मल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ते हैं, यहां पे इंटेंसिटी ऑफ फोटोन या इनका इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन का कोई इफेक्ट नहीं है। अब बात आती है, हमें तो मल्टी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ना है ना, मल्टी क्वांटम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमारा तो सिलेबस का टॉपिक ये है। अब बात यह आई क्या कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो इससे लोअर फ्रीक्वेंसी, मतलब अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी हो तो क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व हो सकता है, मतलब अगर ओमेगा की वैल्यू क्या हो, लेस देन हो ओमेगा नॉट से, मतलब जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो, अगर कम हो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, तो क्या आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्वेबल होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो पहले लेजर ऑप्टिक्स में इस क्वेश्चन का आंसर नेगेटिव था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों था, पहले ऐसा क्यों कहा गया कि ऐसा ऑब्जर्व नहीं हो गया, ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि पहले यह माना गया था कि जो इलेक्ट्रॉन है ना वो क्या करता है, एक टाइम पे एक ही फोटोन को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, प्री लेजर फिजिक्स में ये मतलब अब क्वेश्चन ये अराइज हुआ, मल्टी फोटोन तो बाद में आया ना, पहले ये अराइज हुआ था क्वेश्चन कि अगर आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्वेबल होगा, तो प्री लेजर फिजिक्स ने कहा नहीं नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उस टाइम पे ये अज्यूम किया गया कि जो एक इलेक्ट्रॉन है जो इजेक्ट होता है वो एक बार में एक ही फोटोन को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, क्या माना गया था, एक बार में एक ही फोटोन को एब्जॉर्ब करता है, इसलिए जो है अगर फ्रीक्वेंसी कम है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्वेबल नहीं होगा। लेकिन बाद में क्या पाया गया कि अगर आपकी इंटेंसिटी लेजर पल्स की जो इंटेंसिटी है वो बहुत ही हाई है, ठीक है, पल्स की इंटेंसिटी हाई है मतलब डेंसिटी ऑफ फोटॉन्स क्या है बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है, डेंसिटी ऑफ फोटोन क्या है हाई है, तो जो एक इलेक्ट्रॉन है ना वो साइमल्टेनियसली दो या दो से ज्यादा फोटॉन्स को एब्जॉर्ब कर सकता है, क्या कहा, एक इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली दो या दो से ज्यादा फोटॉन्स को क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है। तो ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था इसीलिए इसकी क्या किया, इसको रिकंसीडर करना पड़ा, अभी तक हमने ये किया था, लेकिन जब ये कहा गया कि एक इलेक्ट्रॉन एक टाइम पे एक से ज्यादा फोटॉन्स को एब्जॉर्ब कर सकता है तो फिर क्या आया, नया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को दोबारा से रिकंसीडर किया गया, जिसको क्या नाम दिया गया, मल्टी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या मल्टी क्वांटम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो पहले इसके बारे में लिखेंगे क्या क्या, कुड द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट
could the photoelectric effect be observed at frequencies lower than threshold frequency. क्या इस पे जो है आपका फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व हो सकता है क्या, मतलब दैट इज ओमेगा लेस देन ओमेगा नॉट पे. ठीक है, तो ये क्वेश्चन अराइज हुआ. तो लिखेंगे इन प्री लेजर ऑप्टिक्स इट वाज ऑलवेज अज्यूम्ड क्या क्या अज्यूम किया गया था, दैट इलेक्ट्रॉन कैन एब्जॉर्ब only one photon at a time. ठीक है, एक टाइम पे केवल एक ही फोटोन को एब्जॉर्ब कर सकता है. ठीक है, in extremely high intensity का क्या मतलब हुआ, the density of photons is so high. ठीक है, दैट एन इलेक्ट्रॉन की जो एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, could absorb simultaneously क्या two or more photons. ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉन लीनियर इफेक्ट. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, द लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट should be reconsidered. ठीक है, अब reconsidered कैसे किया गया, अब क्या कहा, अब क्या होगा, मान लो एक इलेक्ट्रॉन है वो मटेरियल में कितने n नंबर ऑफ फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करता है. ठीक है, क्या कंसीडर करें, सपोज एन इलेक्ट्रॉन, हम मान लेते हैं कि जो एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो क्या करता है, इन ए मटेरियल एब्जॉर्ब क्या n फोटॉन्स. ठीक है, n फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करता है, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, देयरफॉर इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी, ½mv² पहले यहां पे क्या था, h का ओमेगा था, तो अब क्या हो जाएगा, nh का ओमेगा माइनस w क्या है उसका वर्क फंक्शन. ठीक है, तो अब फोटोइलेक्ट्रिक ऑब्जर्व के लिए कंडीशन, देयरफॉर नाउ द कंडीशन बिकम्स, कब फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा, जब nh का ओमेगा क्या हो, ग्रेटर देन हो या इक्वल टू हो किसके, ओमेगा के. हमें तो क्या निकालना है, ओमेगा, तो ओमेगा क्या होना चाहिए, मस्ट बी ग्रेटर देन w अपॉन nh कट. तो इसका मतलब ये क्या है, ये फ्रीक्वेंसी कम है इससे, क्योंकि देखो इसमें तो n नहीं है, यहां पे तो नंबर ऑफ फोटॉन्स से भी डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब ये फ्रीक्वेंसी क्या है, लोअर है पहले वाली फ्रीक्वेंसी से. ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी क्या है, कम फ्रीक्वेंसी है. तो इससे ये जो फिनोमिना था, ये क्या कहलाया आपका, मल्टी क्वांटम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. ठीक है, आगे बात समझ में, इसको क्या बोलते हैं, मल्टी क्वांटम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. तो यहां पे ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है. ठीक है.